राहुल महाजन ने राखी सावंत को लेकर सोनाली फोगाट को कई सारी बातें बताई हैं और आखिरकार इन बातों में क्या क्या है, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हरदम ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। बिग बॉस के घर में जब राखी सावंत को चोट लगी तो जहाँ एक तरफ लोग मजाक उड़ा रहे थे उनके रोने का, उनकी रावीबाजी का, जबकि राखी सावंत बहुत जोर जोर से रो रही थी, तो वहीं सोनाली फोगाट और विकास गुप्ता जो है कहीं ना कहीं उनके सपोर्ट में थे और कहीं ना कहीं बोलते कि अरे चलो ठीक है, एक पर्सन मान भी लिया, अगर नहीं भी लगी है तो भी एटलीस्ट आप एक बार ये बोल सकते हो चलो सॉरी, अगर आपको ज्यादा लग गई है तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है जैस्मिन और ने जो है वो मानने की कोशिश नहीं की, लेकिन बाद में राहुल महाजन और सोनाली फोगाट जो है बात करते नजर आए, जिसमें राहुल महाजन कहते हैं कि राखी सावंत जो है वो काफी अकेले इंसान है और उनका कोई हस्बैंड है जिससे उन्होंने शादी भी करी, जिनके साथ में 2 साल हो गए और उनके साथ में उनकी सुहागरात भी नहीं हुई है और वो हस्बैंड भी जो है वो हस्बैंड की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। घर में माँ है, भाई, उस तरह का सपोर्ट नहीं है, पिता ने भी उनके बचपन में उन्हें बहुत मारा है और इस तरह की बात की है उन्होंने। उन्हें ये भी कहा राहुल महाजन ने कि पहले ही राखी सावंत कहती है कि मैं उनका दोस्त हूँ, लेकिन मैं उनके दोस्त 10 साल पहले इसी शो पर मैं उनको मिला था, तो ऐसा कुछ नहीं। इसलिए राखी सावंत जो है वो बहुत अकेली पड़ गई है और इसीलिए इस बड़े से घर में आने के बावजूद भी राखी सावंत अपना अकेलापन संभाल नहीं पा रही है और इसीलिए वो बहुत ज्यादा जो है वो इमोशनल हो जाती है। आप में से कितने लोग हैं जो राहुल महाजन की इस बात से अग्री करते हैं? वह राय नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।